नेक्स्ट हम एक इंडिविजुअल की कैलोरिक रिक्वायरमेंट पता करने के अलग अलग तरीके जानेंगे। ये हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज, जिसे आरडीए मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट है आईसीएमआर मेथड, फिर हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशंस, और लास्ट है इनपुट आउटपुट चार्ट। सबसे पहले आरडीए मेथड। इस रिक्वायरमेंट में कैलोरिक रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला है बॉडी वेट इंटू लाइफस्टाइल टेबल। इसमें बॉडी वेट तो हम आसानी से पता कर सकते हैं, लाइफस्टाइल टेबल फैक्टर को पता करने के लिए हमें लाइफस्टाइल टेबल के बारे में पता होना चाहिए। लाइफस्टाइल टेबल से हमें हमारी फिजिकल एक्टिवनेस का पता चलता है। हमारी फिजिकल एक्टिवनेस या लाइफस्टाइल तीन तरह की होती है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मॉडरेटली एक्टिव लाइफस्टाइल और हाईली एक्टिव लाइफस्टाइल। सेडेंट्री वो लोग होते हैं जो कोई वर्कआउट नहीं करते, प्लस इनका काम भी पूरा दिन बैठने का होता है। मॉडरेटली एक्टिव वो लोग होते हैं जो या तो वीक में 2 से 3 दिन वर्कआउट करते हैं, या फिर उनका काम ऐसा है जिसमें चलना फिरना होता है। इसके अलावा हाईली एक्टिव लोग वो होते हैं जो या तो वीक में 6 से 7 दिन वर्कआउट करते हैं, या फिर उनका काम ही ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जैसे फील्ड बॉय या कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्पोर्ट्स पर्सन एट्सेट्रा। इस तरह से ओवरवेट, नॉर्मल वेट और अंडरवेट लोगों के लिए उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग इस तरह से टेबल बन जाती है। अब एक एग्जांपल कैलकुलेशन के लिए, हम एक मॉडरेटली एक्टिव पर्सन जिसका वेट 80 केजी है और हाइट 180 सेंटीमीटर है की कैलोरिक रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का BMI निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमें यह पता चलेगा कि सब्जेक्ट ओवरवेट है, नॉर्मल वेट है या अंडरवेट है। तो BMI कैलकुलेट करने पर हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट नॉर्मल वेट है और टेबल फैक्टर 35 है। अब हमारे पास सब्जेक्ट का वेट है जो कि 80 केजी है और टेबल फैक्टर भी है जो कि 35 है। यहाँ से हम सब्जेक्ट की कैलोरिक रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं जो कि 2800 कैलोरी आती है। इस तरह से कैलोरिक रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट मेथड है ICMR, मतलब इंडियन काउंसिल ऑन मेडिकल रिसर्च का मेथड। इसमें कैलोरिक रिक्वायरमेंट पता करने के लिए BMR को लाइफस्टाइल टेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। BMR कैलकुलेशन के लिए मेल और फीमेल का फॉर्मूला अलग अलग है, और ICMR की लाइफस्टाइल टेबल भी RDA से अलग है। अब हम एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन यहाँ भी करके देखते हैं। यहाँ एक मॉडरेटली एक्टिव फीमेल है जिसका वेट 80 केजी है। तो सबसे पहले BMR का फॉर्मूला लगाकर इनका BMR कैलकुलेट करना है। लाइफस्टाइल फैक्टर हमें वैसे ही पता चल जाता है जो कि 2.2 है। तो अब सब्जेक्ट की कैलोरिक रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं जो कि 3500 कैलोरी आती है। नेक्स्ट मेथड है हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन। यहाँ भी कैलोरिक रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने का तरीका ICMR की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर BMR का फॉर्मूला ICMR से डिफरेंट है। यहाँ BMR कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वह ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि यह फार्मूला सब्जेक्ट का बॉडी वेट, हाइट और एज तीनों को कंसिडर करता है, और यही वे फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल की BMR को अफेक्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल की कैलोरिक रिक्वायरमेंट को अलग करते हैं। हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन में लाइफस्टाइल टेबल फैक्टर भी डिफरेंट है और ज़्यादा एक्यूरेट है। यहाँ ये दोनों कैलकुलेशन करके हम इंडिविजुअल की कैलोरिक रिक्वायरमेंट पता कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है इनपुट आउटपुट चार्ट। यह मेथड बहुत ही सिंपल है। इसके लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम कितनी कैलोरी खा रहे हैं, फिर हमारी पूरे दिन की एक्टिविटी देखकर यह कैलकुलेट करना है कि कितनी कैलोरी खर्च कर रहे हैं, और फिर जितनी कैलोरी खा रहे हैं से खर्च करने वाली कैलोरी को माइनस करना है। एनर्जी इंटेक का पता करने के लिए आपको अलग अलग तरह के फूड की कैलोरिक वैल्यू का पता होना चाहिए। जितनी भी खाने की चीज़ें होती है उनको हम इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मिल्क और मिल्क से बनने वाली चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल दही, घी, खोया एट्सेट्रा, सभी तरह के मीट, डिफरेंट तरह की दालें यहाँ आ जाती है, फिर वेजिटेबल ए जिसमें सभी हरी पत्तेदार सब्जियाँ आती है,
वेजिटेबल बी, हरी पत्तेदार सब्जियों के अलावा जो बाकी सब्जियां आती है वो वेजिटेबल बी में आती है, सभी फ्रूट्स यहाँ, सभी तरह के फैट यहाँ, उसके बाद शुगर, और लास्ट में सीरियल्स मतलब अनाज वाले आइटम्स जैसे रोटी, ब्रेड, चावल और आलू भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हमें एनर्जी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में हम कितनी कैलरी एक्सपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक घंटा जॉगिंग करते हैं और आपका वेट 70 kg है, तो जॉगिंग करते हुए आप जो कैलरी खर्च करते हैं वह 567 कैलरी। इसी तरह से हम अपने पूरे दिन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ की कैलरी एक्सपेंडिचर निकालते हैं और कैलरी या एनर्जी इनटेक से उसका बैलेंस बना लेते हैं। अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो हम अपने खाने में 500 कैलरी कम कर देते हैं, और अगर वेट कम है तो 500 कैलरी बढ़ा देते हैं।